Woo! ऑल राइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइज, जैसे कि आप पीछे पॉन्ड देख सकते हैं, तो आज मेरी पॉन्ड की मैं थोड़ी सफाई करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और उसमें जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि वाटर कैबेज बहुत सारे हो गए हैं, तो वो निकालने की अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बट लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो वाटर कैबेज एक्चुअली मतलब दे आर गुड टू यूज़, सो आई विल सी कि मैं आसपास जिन जो मेरे नेबर्स हैं उनके एक्वेरियम में उनको रखने के लिए दे दूँगा, बट उनको वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए अब मिनी पॉन्ड की सफाई करता हूँ। प्लस आपको बेसिक इसमें मैं ये बताने वाला हूँ अभी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे इस एंगल से आपको नहीं दिखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो आपको पूरा वाटर के बीच इसने पूरा घेर लिया हुआ है, तो अब मैं आज इसको पूरा निकालने वाला हूँ। बिकॉज ये देखिए, आप देख सकते हैं तो नीचे वो ही हमारी गुरामी, और मैं आपको अंडर वाटर शॉर्ट्स भी इसमें दिखाऊँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल ये पूरा क्लियर करने वाला हूँ, और प्लस आपको ये अगर आप देख सकते हैं तो ये रहा हमारा फिल्टर, जो इसको भी क्लियर करना है, बहुत टाइम हो गया है। तो इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने इसको कैसे बनाया था, और अगर नहीं आपने देखा कि ये कैसे बनाया था तो ऊपर जो अभी लिंक रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए उसको क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस, ये देखिए शाम के टाइम यहाँ पे जो मेरा विंडो है ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाता हूँ। सो तो यहाँ से सीधी ये देखिए, यहाँ पे लाइट पड़ती है, अच्छी खासी सनलाइट आती है, तो मेरे फिश भी बास्किंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए अभी मैं इनको पहले खिलाता हूँ, फिर अपने उन महाशय को खिलाता हूँ, अभी पता नहीं कहाँ नीचे छुपा हुआ है, और फिर अपने इन दोस्तों को खिलाएंगे। तो बेसिकली जो आपको बता रहा था मैं कि फिलहाल ऑप्टिमम ये मैंने इस बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए, अब खाना हमने सबको खिला दिया है, अब मैं निकालता हूँ उसके वाटर कैबेजेस। देखिए गाइस, इतने सारे भर के निकले, एंड सॉरी मैं ये इवनिंग में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा मे बी कलरिंग थोड़ी वैसी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कि अब पॉन्ड में कितनी जगह हो गई है, और प्लस अब इनको आराम से जगह मिलेगी टू स्प्रेड आउट, बिकॉज इनको जगह नहीं मिल रही थी स्प्रेड करने के लिए, तो अब मैं इनको आराम से स्प्रेड कर दूँगा। ये देखिए, ये जो
पूरे एक कोने में फंस रहे थे तो उनको जगह मिल जाएगी। ये हॉर्न वॉर्ड पड़े हैं, अभी तक चल रहे हैं, मुझे लगा ये ख़त्म हो गए होंगे। तो ये देखिए काफ़ी सारे हॉर्न वॉर्ड्स अभी भी हैं और ये विदाउट स्टेम के आराम से जी रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड हॉर्न वॉर्ड्स जो इसमें पड़े हुए हैं। और ये लिली पैड और ये है हमारा वाटर बैम्बू। तो चलिए आपको कुछ फिश अभी दिखा देता हूँ। अभी तक ग्रामीज काफ़ी अच्छी इसमें चल रही हैं, प्लस एनीवेज आपको अभी इसके बाद अंडर वाटर शॉट दिखाने वाला हूँ। बट तो ऊपर से पकड़ की फीलिंग दिखाने की होती है वो अलग ही होती है, तो मैं पकड़ के कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये है, ये मूली है प्रेग्नेंट अभी, अगर आप देख सकते हैं इट्स प्रेग्नेंट नाउ। ये देखिए इसका पेट काफ़ी बड़ा हुआ है, इसको वापस रिलीज़ कर देता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा और दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली जो आपको कलर आपको दिखाया उसकी मोस्टली इसमें रेड शॉर्ट टेल जो पहले लाया था वो अभी भी हैं। ये है हमारी ब्लैक मॉली, इसमें काफ़ी सारे हैं। ये देखिए अनदर, ये सारे बेबीज देने वाले हैं गाइस। दोबारा देखिए इनका वैल्यू मोटा है, आप देख सकते हैं ये सारे बेबीज दोबारा देने वाले हैं। गाइस जस्ट लुक एट द कलर ऑफ दिस गुरामी, हाउ प्रिटी। जस्ट लुक एट द टेल ऑफ दिस, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है मुझे ये नहीं पता था। चलिए इसको रिलीज करते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको जो बता रहा था कि अपना मोटर को निकालता हूँ क्योंकि इसकी सफाई करने की बारी आ चुकी है। तो इसका आउटलेट पाइप यहाँ पे है। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा गंदा हो चुका होगा। तो ये सब इसके जो स्पंजेस हैं, एनीवेज जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, इसकी लिंक मैंने ऊपर डाल दी तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस, लिटरली इतना ज़्यादा ये गंदा हो चुका है और इसके अंदर देखिए कितनी गंदगी है। तो अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम सॉरी नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, बट देन बिल्कुल 2 महीने से ऊपर हो गए इसका पानी चेंज करे हुए, बट स्टिल आपने देखा कि पानी कितना क्लियर है। इट जस्ट बिकॉज जो मैंने होममेड फिल्टर बना लिया था बड़ी आराम से। चलिए मैं इसको क्लियर करके दोबारा इंस्टॉल करता हूँ ताकि बहुत अच्छा हो। मीनवाइल आप इंजॉय करिए अंडर वाटर शॉट्स। So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. I've been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. मैंने भी इसको
साफ कर लिए, ज़्यादा नहीं किया, बट आपको दिखा दूँ कि इतना क्लियर क्यों रहता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने ये डाले हैं एक्टिवेटेड कार्बन्स जो पानी को क्लियर करने में हेल्प करता है, और ये बायोबॉल्स और सेरेमिक रिंग्स। तो ये अच्छा खासा इसमें भरा हुआ है मैंने। उसके बाद जाती है वो पूरा बेस उसका सेरेमिक्स रिंग, बायोबॉल्स और उसका है, देन स्पंज की लेयर जाती हैं जो दो हैं, ये और ये। और ये बेसिकली बायोबॉल था, लेकिन ये मैंने पाइप के पास लगा दिए ताकि इनका पानी के सामने वो ब्लॉक ना हो। तो ये इस तरीके से, और ये हो गया हमारा रेडी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारे मिनी पॉन्ड के ऊपर, जो मैंने बालकनी मिनी पॉन्ड बनाया। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं, तो आप अभी जो लास्ट में प्लेलिस्ट रिफ्लेक्ट होगी जो टर्टल पॉन्ड एंड कोई पॉन्ड बोल के, आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सारे बेसिक्स बताए थे कि हम कैसे बना सकते हैं ये पॉन्ड, प्लस वो फिल्टर और उसका वाटरफॉल स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं, तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपने टर्टल, कोई फिश और मिनी पॉन्ड और एक्वेरियम शॉप के टूर करता रहता हूँ, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो आपको अगर ऐसे और भी वीडियो देखने हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर जेन्युइन लव एंड सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को बताएँ और बढ़ाएँ थोड़े से सब्सक्राइबर, अगर आप हेल्प कर सके। तो मेरा टारगेट है कि मार्च एंड तक हमको 10K टच करना है, सो हेल्प मी विद दैट। और बाकी खुश रहो, मस्त रहो, दूसरों की जिनकी हेल्प कर सकते हो करते रहो, और वीडियो को देखते रहो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।